अच्छा, तो अब क्या करें? अब वकील लोग स्ट्राइक पे हैं ना, तो सरकारी वकील भी नहीं खड़ा हो रहा है। अभी देखो, केस डायरी भी नहीं है। भाई, हमारी पूरी सहानुभूति आपके लिए है, लेकिन हमारी लाचारी ये है कि वकील लोग कोर्ट में नहीं आ रहे हैं, सरकारी वकील भी नहीं आया, और केस डायरी भी नहीं है हमारे पास में। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे करें, बताइए? अपने वकील को बोलो कि भाई, आप नहीं जा रहे हो कोर्ट में, हमारा पति जेल में बंद है। वकील जब नहीं आएगा तो हम कैसे करें, आप बताओ मेरे को। आपकी आपकी बात के आपके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है, लेकिन हमें कानून के तहत चलना पड़ेगा ना। अगर केस डायरी भी होती है, अरे अगर सरकारी वकील नहीं आया था तो कम से कम केस डायरी भिजवा देता, उसने वो भी नहीं भिजवाया। देख लो समाज कहाँ जा रहा है। तुम लोग गरीब यहाँ पे आते हो, किसी विश्वास के साथ हाई कोर्ट में आते हो, और तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, कितने दुर्भाग्य की बात है। क्या करें बताओ? हम लोग तो तुम्हारे लिए बैठे हैं यहाँ पर, लेकिन जिनके पास कागज़ है वो वही नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, और गरीब लोग परेशान हो रहे हैं। तुम्हारे बच्चे छोटे छोटे हैं, तुम रो रही हो, कितना दुख लग रहा है मेरे को। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे को तो इनके ना रहने की वजह से बेल का मैटर है, केस डायरी है नहीं यहाँ पर, तो मैं कैसे देख के बताऊं कि केस बनता है कि नहीं बनता है तुम्हारे खिलाफ। मैं हम आपकी बात पूरी तरीके से समझते हैं, लेकिन समस्या हमारी समझो ना। पाकिस्तान 8 महीने से परेशान हो रही हूँ, परेशान हो रही है। अपने वकील साहब को जाके बताओ कि वकील साहब, किस परेशानी में छोड़ दिया आपने हमको। The application for grant of bail. This is the first application filed under 439 CRPC. उपज प्राण देना पड़ा है, और सो एंड सो फॉर द वाइफ ऑफ द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट स्टैंड्स अंदर एप्लीकेंट इज इन कस्टडी सिंस 6/8/22 इन कनेक्शन विद क्राइम केस नंबर सो एंड सो, इट इज सो एंड सो, फुल स्टॉप। एम एस सो एंड सो इज इन टीयर्स सीकिंग फॉर इंडलजेंस इन टीयर्स बिकॉज ऑफ हर हेल्पलेसनेस एज हर एडवोकेट हैज नॉट अपियर्ड। शी प्रेज फॉर इंटेलिजेंस इन द मैटर ऑफ ग्रांट ऑफ बेल टू द एप्लीकेंट आबिद शाह। Neither government advocate is present nor case diary is available
from concerned police station. Full stop. It is indeed most unfortunate state of affairs. And in full stop, an individual's personal liberty is seriously jeopardized in the obtaining facts and circumstances. Hence, in the fitness of things, it is considered appropriate, expedient to order for production of case diary by the police station, Jhansi Road, by the SHO, Jhansi Road, on the next date of hearing. Failure of compliance of this order shall be viewed seriously. Let copy of the order be sent to SP Gwalior as well as SHO. SHO Jhansi Road, Police Jhansi Road, Gwalior, as well as SP Gwalior for compliance. भाई ऐसा करते हैं, इसको तीन दिन बाद लगाते हैं, चार दिन बाद, तब तक डायरी आ जाएगी, तो देखते हैं उसको, है चार दिन बाद लगाएंगे इसको, जो छुट्टियां हैं बीच में. तो आज तारीख कौन सी है? 24. तो अब 31 को ही आएगा. हाँ, इसको लगाते हैं 27 तारीख को. आज 24 है ना, 25-26 छुट्टी रहेगा, 27 को देखेंगे इसको. डायरी बुलवाई है हमने थाने से. सत्ताईस को आना, आप देखेंगे. हमें, मैंने कहा ना आपसे, मेरी पूरी सहानुभूति है आपके लिए. हमें लिखवा दिया जो कोर्ट में हुआ. कितनी दुर्भाग्य की बात है कि आप रो रहे हो, आप लाचार हो, बच्चे छोटे आपके साथ में हैं, और वकीलों का आपको सहयोग नहीं मिल रहा है, जिनको आपने फीस दिया होगा संभवतः. खैर, ईश्वर ऊपर है, अल्लाह ऊपर है, आपकी रक्षा करेंगे. हम 27 तारीख को पुनः बैठेंगे इस पे, और 27 तारीख को केस डायरी भी आ जाएगी, तो उसको देख करके आदेश, उचित आदेश पारित कर देंगे. जो भी न्याय में संभव होगा करेंगे उसको. 27 को आप आना.